तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बड़ी संख्या में देशभर से लोग अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं। इसी को लेकर मुंबई की एक मुस्लिम युवती हैं शबनम शेख, वो मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ पैदल निकल चुकी हैं। पुलिस प्रोटेक्शन इन्हें मिला है। शबनम का कहना है कि मुस्लिम होने पर उन्हें गर्व है। अपनी यात्रा को लेकर वो कहती हैं कि लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती है, यही दिखाने के लिए वो निकली हैं। शबनम का कहना है कि भगवान राम सबके हैं, राम जी को याद करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। बीए सेकंड ईयर की छात्रा है, दो साथियों के साथ अयोध्या तक के लिए पद यात्रा पर निकली है। मुंबई की रहने वाली, 19 साल इनकी उम्र, शबनम शेख, दो साथियों के साथ वो अयोध्या तक पद यात्रा करेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की इच्छा है। मार्के की बात उन्होंने ये बोली कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि दुनिया के, उनका नाम लेने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो मेरा उद्देश्य यही है कि लड़के कर सकते हैं पदयात्रा तो लड़की क्यों नहीं। सबसे पहले जब पता चला लोगों को कि अरे मैं पैदल यात्रा के लिए निकली, तो सबसे पहले सबका रिएक्शन ये था कि अरे तू तो लड़की है, इतना दूर तू जाएगी वो भी चल के। तो ये लोगों का जो भ्रम है ना कि लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है, वो मुझे तोड़ना है। और दूसरा ये है कि देखिए राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके है, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है। तो पूरी दुनिया के हैं राम। और ये आपने खुद शबनम शेख को सुना, अपने दोस्तों के साथ वो पद यात्रा के लिए निकल चुकी हैं। अयोध्या तक पहुंचने का उनका इरादा है, मुंबई से निकली हुई हैं और प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जब होगी उसमें वो शामिल होना चाहती हैं। बड़वानी में न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत भी की। बीए सेकंड ईयर की छात्रा हैं शबनम। तो लगातार मुंबई से निकलने के बाद वो अलग अलग जगहों पर पहुंची। बुरखा पहना हुआ है, केसरिया ध्वज वाहक बनी हुई है 19 साल की शबनम शेख। लेकिन मार्के की बात ये कि भगवान राम पूरी दुनिया के, ये कहना है शबनम शेख का। खुद को वे सनातनी मुस्लिम कहती हैं। अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए दो साथियों के साथ, कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर, जय श्री राम का नारा लगातार चर्चा में है। मुंबई की हैं शबनम शेख। रामलला के दर्शन करना उनका मकसद। राज्य सरकार की तरफ से 3 पुलिस वाले भी दिए गए हैं, एक महिला पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है। बचपन से सीरियल का दरअसल उन पर गहरा असर है। बचपन से वो रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स को देखती हुई बड़ी हुई हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।